guys, my name is Audrija. You're watching Hashtag Review. Today I'm here for the movie review of NUN. Make it more than Conjuring 2. Actually, at the end, altogether created a link, actually. So that was the best part. And secondly, the scenes and the jump scares, those were too good. How many stars would you give out of 5? Out of 5, 3.54. Why are you deducting? Huh? Are you deducting? Expected a bit more. Okay, did the movie meet your expectations? No, it was not up the mark. It could be more haunted. Like, it was not so much scary at all. Like, the previous one, like The Conjuring 2, it was more interesting than this one. Did you like it? Yeah, it was good. Okay, how many stars will you give out of 5? 3.5. Why are you deducting? Sorry? Why are you deducting? You were kind of unrealistic. Yeah. Why? Kind of. Why is it unrealistic? Like the scenes were like unrealistic, that we can't, you know, like relate to something like that. Yeah, there was kind of some unrealistic things like Jesus' blood and all those things. Those are like not available right now. हाँ जी तो ये फिल्म कैसा लगा फिल्म ठीक थी डरावनी है कुछ कुछ सीन जैसे जो पूरा हिला देते हैं बहुत अच्छा किया बहुत नहीं नहीं अच्छी मूवी है और इसका इसका ड्रॉबैक मतलब क्या क्या था अगर बोल दीजिए ड्रॉबैक कुछ खास नहीं है बस कुछ कुछ सीन ऐसे है जो होने नहीं चाहिए थे बट स्टिल वहाँ पे हुए बाकी तो बहुत अच्छी मूवी है और इससे पूरी स्टोरी पता चल जाती है कैसे कंजरिंग और अनेबल आया और इसका रेटिंग कितना देंगे 4 4 थैंक यू डिड यू लाइक इट यस आई लव इट ओके हाउ मेनी स्टार्स वुड यू गिव इट आउट ऑफ 5 ऑल ऑफ 5 और मे बी 4 एंड दिस व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मी ऑफ द मूवी The part where Sister Erin conquered the devil, that's the best. फिल्म तो अच्छा ही था मतलब दूसरे फिल्मों से कंपेयर करें तो अच्छा ही था प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और इसका बेस्ट पार्ट अगर कुछ होगा बेस्ट पार्ट वो तो स्पॉइलर हो जाएगा ना तो बेस्ट पार्ट तो वही जब मतलब वो लोग कन्फर्म करते हैं जब नन को मेन बूट को तब फिर बेस्ट पार्ट बोलेंगे और इसका ड्रॉबैक अगर कुछ है मतलब कुछ चेंज वेंज करना है तो. चेंज में बोल सकते हैं ड्रॉबैक में उतना जंप स्केयर्स अच्छा नहीं लगा इस बार मतलब जंप स्केयर में इतना डर नहीं लगा तो उस पर थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था हो सकता था और इसका रेटिंग कितना देंगे 5 में 5 आउट से 3.8 3.8 ओके थैंक यू और इसका बेस्ट पार्ट क्या हो बेस्ट पार्ट है कि बेचारा लड़का मर जाता है उसको हम लोग को लगा कुछ रोमांटिक ऐसा कुछ होगा पर कुछ हुआ ही नहीं और इसका ड्रॉबैक अगर कुछ है तो कुछ नहीं है हम तो 5 स्टार देंगे मूवी को हमको तो बहुत पसंद आया 4 में कितना 5 में कितना देंगे 5 स्टार पूरा 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 मजा आ गया ओके थैंक यू मतलब कैसा लगा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा था बट ओवरऑल इट्स नाइस बट आई वाज वेटिंग फॉर दिस मूवी सिंस जुलाई मे बी सो डेट तो पोस्टपोन्ड हो गया सो फाइनली द फर्स्ट जो आई केम एंड वॉच दादा এখন আপনারা নিচে করুন আপনাদের নিচে পারমিশন বলেছিল উপর দেখতে কত ভাবতে নিচে যান আগে নিচে যান আগে নিচে যান বলই খার ওকে সরি No, she can continue. So, it was okay. And what is the better part, Conjuring or NUN? I guess the Conjuring is the better part better for part. me. For me. और so, rating कितना देंगे अगर देना है? 6.5 out of 10. नहीं 5 में. It's 3. 3. 3. Okay. Thank you. Thank you. थोड़ा सा drawback है. Drawback क्या है? कि ये अपना जो terrific moment हुई कंटिन्यूटी नहीं रखा उसमें हाँ सम बट बेटर हो सकता था हाँ एवं दो अनावेली से भी थोड़ा सा रेटिंग कम ही इसका है अनावेली मतलब 5 में कितना देंगे आप 5 में आई थिंक 2.5 यार 2.5 जस्ट दैट्स एनफ और कौन सा पार्ट बेटर है मतलब कंजरिंग या वो वाला ये वाला कंजरिंग थोड़ा ज्यादा कंजरिंग थोड़ा बेटर ओके थैंक यू अराउंड लाइक 5 टू 6 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 2.5 और 2 हाउ वाज द फिल्म
मूवी ठीक थी, हॉरर उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं है, और मतलब कंज्यूरिंग के मुकाबले में बहुत कम है हॉरर, तो इसीलिए ठीक लगी मूवी। जंप स्केयर्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन उतना कुछ हॉरर नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लेस है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक है कि जितने एक्सपेक्ट किया था कि घोस्ट को लेके कुछ दिखाएगा, उतना कुछ घोस्ट सीन्स नहीं है, सिर्फ आपको जब भी कुछ मतलब ऑडियो विजुअल से और उससे आपको थोड़ा सा जंप स्केयर्स देने का कोशिश किया है। फाइव पे कितना रिव्यू दे? फाइव में मैंने वही 2.5। कैसा लगा? ठीक है, ओके, बट ओके टाइप, इट्स एवरेज मूवी। एवरेज मूवी, और इसका बेस्ट पार्ट अगर कुछ है मतलब फनी या बहुत स्केरी? स्केरी तो एक सीन था, थोड़ा क्या बोलते हैं ऊपर से वो लटक के उसके ऊपर आ जाता है पेड़ से। ओके, और इसका अगर ड्रॉबैक कुछ है तो मतलब? ड्रॉबैक मतलब क्या बोलते हैं, स्केरी सीन बहुत कम है उतना, मतलब कंज्यूरिंग के तुलना कम है। हाँ, उससे वो बेटर है, कंज्यूरिंग बेटर है। और इसका रिव्यू मतलब 4-5 में कितना देंगे? 5 में 2.5 मैक्सिमम 3। 2.5 मैक्सिमम 3, इतना भी खराब? हाँ, इतना ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाय, तो आप फिल्म देखे? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ। इसका बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट मेरे को एंडिंग लगा, जब एंड वो ब्लड उसके ऊपर थ्रो करती है उसके फेस पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पब्लिक बोल रहे हैं कि वो लड़के मर गए, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, तो एंड में तो नहीं मरता है, जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाता है, तो ठीक है। इसका मतलब ड्रॉबैक अगर कुछ है तो क्या होगा? ड्रॉबैक मींस मतलब कुछ अगर चेंज करना है या फिर नहीं? सब एकदम सही था, मेरे को सब सही लगा। तो इसमें 5 में कितना रेटिंग देंगे? 5 में 4.5। क्यों, अच्छा लगा तो 5 आउट ऑफ 5 नहीं दूंगी, उतना भी अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। ओके, थैंक यू। इट वाज क्वाइट व्हाट वाज स्केरी, it was good, it was nice watching. So what is the scary part of this movie? With Valak. Yeah. And what is the drawback? The drawback would be the scary part. I was is not completed? No. Okay. Or how much rating? 5? Out of 5, 4. 4? Yeah. Okay. Thank you. How was the film? It was good. And what is the scary part? The scary part was the last part. Last part was scary. When Valak was attacking. Okay. And what is the drawback of film? It was scared. Ever is scared. Ever is scared. And what is the best, Conjuring or NUN? That's a tough question. Both, I think. Both, I. Mm. Okay. Or out of 5 rating? 4. Oh. Okay. Thank you. Get some review. It was a decent enough movie. The storyline was quite decent, but overall. Average, not nothing extravagant or anything like that. ठीक है। और what is the scary part of the movie? Scary part of the movie, मैंने what was strange was it revolved around Valak, but Valak itself doesn't appear until the second half in the movie. So that was a bit, maybe they could have changed that a bit. But apart from that, yeah, jump scares and all, sir. Okay. And what is the scary part? Sorry. What is the drawbacks of the movie? They couldn't really stick to the main subject. It was more of like the side subjects. Yeah, side subjects and all. Focus. Origins as such weren't depicted as such. And yeah, that's about it. Okay. Or out of 5 rating, how much? 3.5. Okay. Thank you. How was the film? It was good. The part of that guy, French Canadian guy, was good. It's a bit of that gave a bit of punch to it. It's a good horror movie. Nice to watch. And what is the drawbacks of the movie? Drawbacks is the ending. The ending is the best part. Ending is the best part. Yeah. And how much rating? Out of 5. Out of 5. Out of 5. 4. 4. Yeah. Okay. Thank you. Basically the sound effects. Basically the sound effects. Yeah, other than that, 3.5. What is the drawback of the movie? Like, drawback is, talking from the atheist point of view, I don't know how to feel about this, but it's fine. There's no drawback as such. It's a one-time watch. What could have been better? Definitely the story. And
what is the best part? Conjuring or Nun? Conjuring. Okay, thank you. A little bit scary, it's okay. If you are, of course, if you are not, it's not that much scary. I think Conjuring 2 was quite good. Okay, and what is the drawbacks of the film? Drawbacks is the, I think that it's a bit more scary. More scary. And is it like to explain, aapka expectation jo tha, to match hua? No, I thought it was a much more scary than Conjuring and Conjuring Part 2. And rating kitna denge 4 or 5 mein? 3 aur aap rating 4.5 out of 5. Thank you. So hello guys, ये था नन का रिव्यू और आई थिंक 3.5 तो होगा ही होगा. और आप लोग कमेंट करो, बताओ कैसा लगा रिव्यू मूवी देख के. और आफ्टर दैट लाइक वॉच एंड सब्सक्राइब प्लीज़. टाटा.